मुझे माफ कर दो और दफा हो जाओ। उशना शाह का फलस्तीन के खिलाफ बोलने वाले सारिफ को करारा जवाब। इसराइली जारियत के शिकार मासूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद करने पर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारा उशना शाह को कड़ी तनकीद का सामना। उशना शाह गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी इसराइली दरंदगी और नस्ल कशी के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाती नजर आ रही हैं। वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बेगुनाह और मासूम फलस्तीनियों की आवाज बनी हुई है। अदाकारा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सार्फीन में शऊर पैदा कर रही है और इसराइल की मुनाफकत और जहालत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। ऐसे में एक पाकिस्तानी सारिफ ने उशना शाह पर तनकीद की है कि वो फलस्तीन के बजाय अपने मुल्क पाकिस्तान में जारी जुल्म और सितम के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही। जुएब नामी सारिफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर उशना शाह के इस ट्वीट पर तनकीद की और कहा कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रही, पाकिस्तान में भी फलस्तीन जैसा ही जुल्म हो रहा है। इसराइल के बारे में सोचने से पहले पाकिस्तान का सोचो, यहाँ भी गुज़िश्ता 6 माह से लड़कियाँ जेल में कैद हैं। इस ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए सोशल मीडिया सार्फीन ने जुएब नामी सारिफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब उशना शाह भी खामोश ना रह सकी और सारिफ के ट्वीट ने अदाकारा को शदीद गुस्सा दिला दिया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को बहुत ख़ारिश हो रही है कि मैं फलस्तीन के हक में क्यों बोल रही हूं। उशना शाह ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों मुझे माफ कर दो और जरा यहां से दफा हो जाओ। अदाकारा के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए कई सार्फीन ने उनकी हिमायत की और कहा कि आप फलस्तीन के लिए बोले, हम आपके साथ हैं।